आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ओवर पाई बाय 4 टू पाई बाय 3 cos x d ऑफ sin x फॉर x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाय 2 इज। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या दिखी थी, ये क्या दिया है, d ऑफ sin x, मतलब cos x को हमें विद रिस्पेक्ट टू sin x इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो d ऑफ sin x को हम कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम क्या करेंगे, अब डी ऑफ साइन एक्स को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो पाई बाय 4 टू पाई बाय 3, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस एक्स और d ऑफ साइन एक्स को लिख देंगे हम लोग कॉस एक्स डी एक्स, तो ये आएगा कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, अपन 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 4 टू पाई बाय 3, ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग साइन एक्स को लेंगे t। ठीक है, साइन एक्स को टी सब्सटीट्यूट करेंगे तो इससे होगा क्या, देखो कॉस एक्स डी एक्स जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा डी टी। ठीक है, और साइन एक्स को टी सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम लोग तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, देखो लिमिट हो जाएगी जब साइन एक्स टी है तो लोअर लिमिट है पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 हो जाएगा √3/2, ये √3/2। ठीक है, और ये हो जाएगा देखो cos x dx हो गया dt, तो ये हो जाएगा ऊपर dt और नीचे आएगा t, तो ये क्या आ रहा है 1/√2 टू √3/2 ln of t, ठीक है dt। ओके, ये इंटीग्रल साइन नहीं आएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln t हो जाएगा, और यहाँ पे जो लिमिट्स है वो √3/2 एंड 1/√2 है, तो बस हमें आप इसकी लिमिट्स डाल देनी है। तो पहले तो आएगा ln √3/2 फिर ln 1/√2। अब पता है हमें, देखो हमें पता है ln a माइनस ln b क्या होता है, ln ऑफ ए बी होता है, तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ln ऑफ √3/2 और अपॉन में 1/√2 आ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा √2/1 बन जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे किया, ln √3/2 अपॉन 1/√2 आएगा तो वो ये इन्वर्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ठीक है, तो ये आया ln √3/2 into √2 into by 1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ln √3/√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √2, तो ln √3/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग आगे जाके, इसको लिख सकते हैं ln ऑफ 3/2 की पावर हाफ। ठीक है, दोनों √3/√2 है तो इसको √3/2 लिख सकते हैं, और फिर आगे जाके ये हो गया ln ऑफ ln 3/2 की पावर हाफ, तो जिसको लिख सकते हैं हम लोग आगे जाके 1/2 इंटू ln ऑफ 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ln ऑफ 3/2 इंटू हाफ। तो अगर ऑप्शन में हम चेक करें तो ऑप्शन कौन सा मैच होता है, देखो ऑप्शन मैच होता है बी, 1/2 इंटू ln 3/2। So correct answer to this question is option B. Thank you. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें DoubtNet app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400400400 पर।